संस्कारों की पाठशाला सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पांडुरना, नर्सरी से कक्षा 12वीं तक हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम में नर्सरी से कक्षा 7वीं तक प्रवेश प्रारंभ, 11वीं में पाए गणित, जीव विज्ञान, कृषि और कॉमर्स संकाय में प्रवेश। बच्चों को पढ़ाई के साथ संस्कार, धर्म, समाज और खेलकूद गतिविधियों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र स्थान। विद्यालय की सुविधाएं, विशाल भवन, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, पीने के लिए स्वच्छ पानी की सुविधा, बच्चों को खेलने के लिए गार्डन, अटल टिंकरिंग लैब, कैंपस कवर्ड विद सिक्योरिटी। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश हेतु संपर्क करें सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शंकर नगर, पारडी रोड, पांडुरना। प्रयासों के बाद भी बकरी चोरों का सुराग पुलिस नहीं लगा सकी है, जिससे पशुपालकों में रोष पनप रहा है। तहसील में हुई बकरी चोरी की दो घटनाओं के पीड़ित गुरुवार को पुलिस थाने पहुंचे। पशुपालकों ने अब तक चोरों को नहीं पकड़ पाने को लेकर अपना दर्द बयां किया और पुलिस अधिकारियों से शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। 22 मार्च को बिरूली पार के किसान रामकिशन बरखड़े के खेत के कोठे से 10 बकरियां और 2 बकरे जाली काटकर चुरा लिए थे। इसी तरह 17 मई को राजू गांधी मार्केट से उषाबाई तेजी के मकान के सामने बंदी 10 बकरियों को चोर चौपहिया वाहन में भरकर चुरा ले गए थे। थाना पहुंची दोनों पीड़ित महिलाओं ने बताया कि मेहनत से बकरी पालन कर रहे थे, चोरों ने चुरा कर मेहनत पर पानी फेर दिया। हमारी समस्या यह है सर कि हमारे यहाँ बुधवार के दिन रात में बकरियों को मालूम नहीं ऐसा कौन सा केमिकल डाला तो बकरियां बिल्कुल चुपचाप होकर और उन लोगों ने रस्सियां काटकर हमारी पूरी 10 बकरियां 2 बकरे चुरा कर ले गए। मिले नहीं क्या अभी तक? नहीं, अभी तक कोई मिला नहीं है और ना ही हमारी समस्या का कोई समाधान हो रहा है। तेजी परिवार का मकान राजू गांधी मार्केट में है और चोरी की रात एक वाहन का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दिया गया था। वाहन के नंबर की जानकारी जुटाने पर यह नंबर फर्जी निकला है। इसी तरह श्रीमती अंजू बरखड़े ने बताया कि लोन लेकर बकरी पालन शुरू किया था। पुलिस ने दोनों महिलाओं को बताया कि नागपुर जाकर जाँच कर लौट आए है, किसी का हुलिया या सुराग नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि चोरों को पकड़ने में हमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। शहर के भवानी माता वार्ड में आवासीय क्षेत्र में लगाई मिर्ची कुटाई मशीन के शोर और वायु प्रदूषण को लेकर आसपास रहने वाले नागरिकों ने विरोध दर्ज किया है। एसडीएम सीएमओ सहित पुलिस को लिखित शिकायत देकर इस मशीन को बंद करने की मांग की गई है। शिकायत करने पहुंचे भवानी माता और अम्बा वार्ड के नागरिकों ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत मकान निर्माण कर मोहल्ले में मिर्ची कुटाई का कार्य किया जा रहा है। इससे दिन भर मशीन की आवाज़ से जनमानस की दिनचर्या में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या ये है सर कि हमारे यहाँ क्या है कि मोहल्ले में मिर्ची कुटाई की मशीन लगाए उन्होंने और वो हमारे जस्ट आमने सामने है और इतना प्रदूषण और आवाज़ करती हो कि आपस में अपन बातचीत भी नहीं कर पाते और मिर्ची की जो बारीक धूल जो है कि नहीं तो पूरे यानी गाँव घर में फैल रही पंखे के माध्यम से सर। मशीन की तीव्र ध्वनि से आराम नींद नहीं होने से मानसिक तनाव वार्ड वासियों को उत्पन्न हो रहा है। न बच्चे पढ़ पा रहे हैं और न ही परिवार शांति से अपना काम कर पा रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, वहीं सीएमओ ने दल भेजकर मौके की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। 11 वर्षों से छिंदवाड़ा, सौंसर, पांडुरना के होनहार विद्यार्थियों की पहली पसंद रही सबसे प्रसिद्ध मिडास कोचिंग संस्था अब पांडुरना में शुरू हो चुकी है। IIT, JEE और नीट मेडिकल परीक्षा में अपने परिणामों के लिए पहचाने जाने वाली एकमात्र संस्था, जिसमें हर साल 15 से 20 बच्चों को IIT, IIIT, NIT, आइजर, IIST जैसे बड़े बड़े संस्थानों में चयन होता आया है। MBBS, BDS, BAMS, BHMS जैसे बड़े संस्थानों में चयन कराने वाली एकमात्र संस्था, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कोचिंग पढ़ाई जाएगी। पांडुरना में कक्षा 8वीं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मिडास कोचिंग संस्थान का एक महीने का फ्री समर कैंप शुरू हो चुका है। प्रवेश पाने और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7004455253 पर। दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, सभी प्रकार के कपड़ों, शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां, सभी पर भव्य 50% की छूट। अवसर का लाभ लेने एक बार अवश्य पधारिए। दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, तार बाजार, पांडुरना। पांडुरना में शुरू हो गया है जनता सेल। जी हाँ, जनता सेल, जहाँ आपको मिलेगी 40 रुपए से सभी प्रकार की वैरायटी के साथ प्लास्टिक के घरेलू सामान।
मिक्सर, सुंदर पायदान और घरेलू सजावट की एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तुएं। सेल में एक बार अवश्य पधारें और इस दीपावली में अपने घर को सजाएं सुंदर वस्तुओं से। हमारा पता जनता सेल, दुल्हन साड़ी सेंटर के बाजू में, पुलिस थाना के पीछे, पांडुर्ना।